हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो में हम काई स्क्वायर टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं। काई स्क्वायर टेस्ट हमने जो टाइप वन टेस्ट होता है फॉर द गुडनेस ऑफ फिट के लिए, वो हमने डिस्कस किया है। दो वीडियो मैंने उसकी बनाई थी, है ना। और फिर अब आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है, इसमें हम सेकेंड टाइप का काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ने वाले हैं, उसका वर्किंग रूल और उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, एक बात आप ध्यान रखना कि ये जो काई स्क्वायर टेस्ट हम टाइप टू पढ़ने वाले आज, है ना, इसमें से पिछले प्रीवियस अगर मैं 2 ईयर्स की बात करूँ तो जो 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है काई स्क्वायर टेस्ट से, 100% एक काई स्क्वायर टेस्ट से क्वेश्चन बनेगा। तो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है पिछले प्रीवियस 2 ईयर्स से, वो इसी से बन रहा है टाइप टू से। तो टाइप टू है भी बहुत ईजी और ईजिली समझ में भी आपको आ जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला है। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो टाइप टू टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसको दूसरा नाम कहते हैं कि काई स्क्वायर टेस्ट एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम करते क्या है, हमें टू एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे, उनकी इंडिपेंडेंसी हमें चेक करनी है, ठीक है। टाइप टू काई स्क्वायर टेस्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स जो कि हमें एक टेबल में दिया होगा। मान लेते हैं कि कोई ए एट्रीब्यूट है, कोई बी एट्रीब्यूट है, उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशन होगी, बी में भी हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन होगी बी के लिए। तो कुछ एट्रीब्यूट्स आपको गिवन होंगे, टू एट्रीब्यूट्स के लिए हमारा जो सिलेबस में है, टू एट्रीब्यूट्स के लिए है बेसिकली जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। 3 और 4 एट्रीब्यूट्स के लिए थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए 2 एट्रीब्यूट्स के लिए हम पढ़ते हैं। ए और बी एट्रीब्यूट्स हम मान लेते हैं, उसके लिए हमें इंडिपेंडेंसी काई स्क्वायर टेस्ट से निकालनी है। तो उसका जो वर्किंग रूल है वो बहुत छोटा सा और सिंपल सा वर्किंग रूल है। हमने कंसिडर किया कि जो हमें गिविन हो गए वो 2 एट्रीब्यूट्स गिविन होंगे, एक को हमने ए का नाम दिया, एक को हमने बी का नाम दिया। ए में जो ऑब्जर्वेशन दी होगी वो टोटल आर ऑब्जर्वेशन होगी, और बी में जो ऑब्जर्वेशन दी होगी वो हमारी टोटल एस ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। तो ये हमारा डेटा होगा ए और बी एट्रीब्यूट्स के लिए, जिसको हमने टोटल नंबर में आर लिया है ए के लिए और एस लिया है बी के लिए। फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं, और हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर जो ए और बी एट्रीब्यूट्स है वे दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। ये हम मान करके चलते हैं कि दोनों के दोनों एट्रीब्यूट्स जो ए और बी है, दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इस पर टेस्टिंग हम करते हैं बाई द काई स्क्वायर टेस्ट। दूसरे स्टेप में हमें कंटीजेंसी टेबल बनानी होती है। कंटीजेंसी टेबल क्या होती है, द सैम्पल डेटा सेट आउट इनटू टू वे टेबल। जो हमें सैम्पल डेटा दिया होगा उसको हम टू वे टेबल में लिखते हैं, उसी टेबल को हम कंटीजेंसी टेबल कहते हैं, है ना। टू वे टेबल, वो टू वे टेबल कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये ध्यान रखिए कि कंटीजेंसी टेबल में हमें जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज दी होंगी, है ना, ए और बी एट्रीब्यूट्स के लिए, उनके लिए हमें कंटीजेंसी टेबल में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करना है, है ना। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला यहाँ पर होता है हमारा। किसी भी सेल में अगर कंटीजेंसी टेबल है, ठीक है, वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी, वो 2x2 की भी बन सकती है, 3x3 की भी बन सकती है। तो कंटीजेंसी टेबल में अगर हम किसी भी सेल के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ये फॉर्मूला चलता है जो मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिखा है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का मतलब है कि रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल अपॉन ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो कंटीजेंसी टेबल हमारी टू वे टेबल होती है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है, और उसमें हम अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करें तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने का ये फॉर्मूला चलता है जो मैंने लिखा है, रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल अपॉन ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल का मतलब नीचे मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जिसको हम कहते हैं। अभी तक आपको कंटीजेंसी टेबल के बारे में थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, तो एक एग्जांपल मैं साथ में ही बता देता हूँ, वर्किंग रूल फिर से स्टार्ट करूँगा, तीसरे स्टेप को मैं आगे बताऊँगा। पहले कंटीजेंसी टेबल को समझ लेते हैं कि कंटीजेंसी टेबल क्या होती है और कैसे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करते हैं, जो कि आज के लेक्चर का मेन काम है। अगर वो आपको आ गया तो काई स्क्वायर टेस्ट इज नथिंग, ओके। तो कंटीजेंसी टेबल समझिए, ये दो वे टेबल्स है आपकी, है ना। एक टेबल होगी आपकी जो हमें गिविन होगी, ठीक है, जिसको हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हमें 4 फ्रीक्वेंसीज गिवन है, एक 2 हमारी है ना,
एक हमारा यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 10 है, एक हमारी 6 है, और लास्ट में भी हमें 6 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये दो एट्रीब्यूट्स के लिए है, एक एट्रीब्यूट हमारा होगा ए और दूसरा एट्रीब्यूट होगा हमारा बी, ये दो एट्रीब्यूट्स के लिए हमें गिवन है। अगर देखा जाए सिंपली तो ये हमारी 2x2 की एक मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि दो दो वैल्यूज़ दी है तो 2x2 की एक मैट्रिक्स हमारी ये बनेगी टू एट्रीब्यूट्स के लिए। इस 2x2 के मैट्रिक्स में, इस 2x2 के मैट्रिक्स में जो रोज है वो भी 2 होगी और जो कॉलम है वो भी 2 होंगे, है ना। तो इसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, ये 2x2 की एक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। ये जो येलो कलर से हाईलाइटेड है 2x2 की एक मैट्रिक्स बनेगी, जिसमें कुछ हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन होगी जिनको हम OI से डिनोट करेंगे, और ये दोनों की दोनों हमें एट्रीब्यूट ए और एट्रीब्यूट बी के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने के लिए हमने 2 और 10 को जोड़ा, इसका टोटल निकाला 12, 6 और 6 को जोड़ा, इसका टोटल निकाला 12, ऐसे इधर 6 और 2 को जोड़ा 8, ऐसे ही 6 और 10 को जोड़ा ये हमारा 16, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं या इन दोनों वैल्यू को ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेगी जो हमारी बनती है 24, ठीक है। ये हमेशा इक्वल आनी चाहिए, मतलब आप इधर से ऐड करें रो वाइज या आप कॉलम वाइज ऐड करें, है ना। रो वाइज या कॉलम वाइज ऐड करने पर जो आपको वैल्यू मिली है ये हमारी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जिसको हम ग्रांड टोटल भी कहते हैं, ग्रांड टोटल, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ग्रांड टोटल। तो एक टेबल तो हो जाएगी हमें, ये गिविन होगी, है ना, क्वेश्चन में हमें गिविन होगी जिसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी और जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कैपिटल एन। ये हमें जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के देखेंगे उसमें 2x2 की मैट्रिक्स के लिए ही दिया है, 3x3 4x4 मैट्रिक्स के लिए लेंथी हो जाता है। तो अब यहाँ पर इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज से हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने के लिए जो यहाँ पर फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा रो टोटल प्लस कॉलम टोटल, सॉरी प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कॉलम टोटल अपॉन ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसको हम कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिससे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। अगर आपको इस वैल्यू 2 के लिए, रेड कलर लेता हूँ, इस वैल्यू 2 के लिए अगर आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इस 2 वाली रो का सम, यानी कि रो का टोटल जो कि 12 है, मल्टीप्लाई इस एलिमेंट के कॉलम का टोटल जो कि 8 है, कॉलम का टोटल 8 है और रो का टोटल हमारा ये 12 है। तो हमने रो टोटल मल्टीप्लाई किया कॉलम टोटल से अपॉन ग्रांड टोटल, ग्रांड टोटल कितना है 24। तो इस 2 वैल्यू के लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी। इस 2 वैल्यू के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी बनेगी सॉल्व करके 4। सेम तरीके से हम दूसरी वैल्यू लेते हैं। दूसरी वैल्यू को हमने कंसीडर किया, टेन। अगर 10 के लिए आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो इसकी जो रो टोटल है 12, इसका जो कॉलम टोटल है 16, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और उसको डिवाइड कर दिया 24 से, सॉल्व करके आपको इसके कोरस्पोंडिंग जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी वो भी मिल जाएगी, 8 आएगी। फिर सेम तरीके से हम अगर 6 के लिए हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तो इसके लिए रो टोटल जो कि हमारा 12 होगा, इसके लिए कॉलम टोटल जो कि 8 है, डिवाइड बाई ग्रांड टोटल जो कि 24 है,
इसको सॉल्व करके 4 मिलेगा। सेम तरीके से हम फाइनली इस 6 के लिए भी निकाल सकते हैं, इसकी रो के लिए ग्रांड टोटल, सॉरी इसकी रो के लिए टोटल 12, इसके कॉलम के लिए टोटल 16 और डिवाइड बाई ग्रांड टोटल 24, सॉल्व करके हमें ये 8 मिलेगा। तो ये जो वैल्यूज़ मैंने फाइंड की है, 4 ये 2 के कोरस्पोंडिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, 8 ये 10 के कोरस्पोंडिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, ये 4 ये हमारी 6 के और ये भी हमारी 6 के कोरस्पोंडिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से आप एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का सम और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का सम इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम अगर 8 और 4 को जोड़े तो 12 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी 12 था और यहाँ पर भी 12 है, करेक्ट है। ये भी 4 है, ये 8 है, तो जोड़ करके 12 मिलेगा, जो कि करेक्ट है। ऐसी कॉलम वाइज अगर ऐड करें तो 4 और 4 को ऐड करने पर 8 मिलेगा, करेक्ट है। और यहाँ पर 8 और 8 को ऐड करने पर 16 मिलेगा, करेक्ट है। और अगर ग्रांड टोटल करें तो ग्रांड टोटल आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इन दोनों को ऐड करो 24 ही आएगा, इन दोनों को ऐड करो तो 24 ही आएगा, ठीक है। यानी कि हम जो ऑब्जर्व डेटा है और एक्सपेक्टेड डेटा है, दोनों से हमारी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल आएगी। तो क्वेश्चंस में जब हम इन दोनों टेबल्स को यूज़ करते हैं, हमारी टू वे टेबल कहलाती है, जिसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने का ये फॉर्मूला चलेगा। और इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम आज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही मैंने आपको बताया है यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में, जिसको हम कॉन्टीजेंसी टेबल कहते हैं। कॉन्टीजेंसी टेबल टू वे टेबल होती है, जिसमें हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को इवेल्युएट करते हैं बाय यूजिंग रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल अपॉन ग्रांड टोटल वाले फॉर्मूले से। तो आपके पास दूसरी स्टेप में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएगी, है ना। एक्सपेक्टेड का मतलब हाइपोथेटिकल या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी होता है, लास्ट वीडियोस में मैंने बहुत अच्छे से बताया था उनको। और जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं वो गिवन होती है, एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसी जिनको हम कहते हैं। तो अगर आपके पास ये दोनों डेटा आ जाए ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के लिए, तो आप काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। वही फॉर्मूला होगा जो आपने लास्ट दो वीडियोज़ में अप्लाई किया था काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। ओ आई फॉर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई आई फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये वही फॉर्मूला है सेम। ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई आई और इन सब का सम, ये हमारा काई स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला होता है। तीसरी स्टेप में इसको फाइंड करेंगे। फोर्थ स्टेप में हमें काई स्क्वायर टेस्ट टेबल से 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल पर, है ना, और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से, आर माइनस वन इंटू एस माइनस वन, ठीक है। यानी कि जो हमें कंटीजेंसी टेबल है उसी से हमें आर और एस की पता लग जाएगी वैल्यू। ए के लिए अगर आपको दो एट्रीब्यूट दिए हैं और बी के लिए भी दो ए एट्रीब्यूट के लिए भी दो आपको वैल्यूज दी है और बी एट्रीब्यूट के लिए भी दो वैल्यूज दी है, तो आपकी जो कंटीजेंसी टेबल है वो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। यानी कि नंबर ऑफ रोज, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनको सॉल्व करके 1 × 1 = 1। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हैं जो हमारी कंटीजेंसी टेबल है उसकी रो और कॉलम से। नंबर ऑफ रोज आर होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारी एस होगा। जैसे कि जो ऊपर एग्जांपल मैंने लिया था वो 2x2 की मैट्रिक्स थी, उसमें आर की वैल्यू भी 2 थी और एस की वैल्यू भी 2 थी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम उसके लिए बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, 1 आएगी। तो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हमें इस काई स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना होता है। फाइनली कंक्लूजन हमें करना होगा, है ना। तीसरे स्टेप फोर्थ स्टेप में जो हमारी वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करेंगे। अगर काई स्क्वायर की वैल्यू इस टेबुलर वैल्यू से लेस देन आती है तो H0 एक्सेप्टेड होगी, और अगर ग्रेटर देन आती है तो H0 हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्टेड होगी। अगर H0 एक्सेप्टेड होती है, इसका मतलब दो एट्रीब्यूट्स हमारे इंडिपेंडेंट है जो हम नल हाइपोथेसिस में कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो इन 5 स्टेप से आप क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से आपको 10 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स लेंगे जो इस साल एग्जाम में आने के जिसके चांसेस है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा है, टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इनोकुलेशन अगेंस्ट कोलेरा
है ना। अगर हम बात करें इनोकुलेशन, तो इनोकुलेशन का मतलब होता है टीकाकरण, ठीक है। और कोलेरा का मतलब होता है हेजा। हेजा एक बीमारी आपने नाम सुना होगा। तो हेजा के लिए टीकाकरण जो है उसकी इफेक्टिवनेस के लिए हमें टेस्ट करना है, और उसके लिए हमें कुछ डेटा गिविन है, ठीक है। डेटा गिविन्स है कि जो अटैक्ड डेटा है, अटैक्ड मतलब जिन पर हमारा हेजा का अटैक हुआ है उन पर्संस की वैल्यूज आपको गिविन है। नॉट अटैक्ड, जिन पर्संस पर कोलेरा हेजा का अटैक नहीं हुआ है उनकी वैल्यूज आपको गिविन है कोलम वाइज। फिर इनमें इनोकुलेटेड और नॉट इनोकुलेटेड वैल्यूज गिविन है, मतलब जिनका टीकाकरण हुआ है और जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है वो वैल्यूज भी हमें यहाँ पर गिविन है। यानी कि दो एट्रीब्यूट्स हमें गिविन है। दो एट्रीब्यूट्स अगर देखे जाए तो यहाँ पर ये दो एट्रीब्यूट्स के लिए हमारी ऑब्जर्वेशन है जो कि 2x2 की एक मैट्रिक्स बनेगी। दो वैल्यू हमारी रो में है, दो कॉलम में है, तो उससे हमारी 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। और टोटल्स भी आपको पता है कि अगर हम इस रो का टोटल करें तो 190 आएगा, इस रो का टोटल करें तो 600 आएगा, कॉलम का अगर हम टोटल करें तो इस कॉलम का टोटल करें 170 आएगा, है ना, इस कॉलम का टोटल करें तो हमारा 620 आएगा। और अगर हम रो वाइज ऐड करें, अगर हम रो वाइज ऐड करें इन दोनों वैल्यू को, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 790 आएगी। और अगर हम इस तरीके से ऐड करें जो कॉलम्स में वैल्यूज हैं हमारी उनको, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 790 आएगी और इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमें गिविन डेटा है, यानी कि कंटीजेंसी टेबल का हमें एक पार्ट दी गिविन है जिसको हम ऑब्जर्व डेटा कहेंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहेंगे फॉर द टू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और ये भी बताया गया कि द फिगर्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन्स, जो फिगर्स है यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स के लिए है। तो टेस्टिंग हमें क्या करना है, यूज काई स्क्वायर टेस्ट टू डिफेंड और रिफ्यूट द स्टेटमेंट। हमें काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। और डिफेंड और रिफ्यूट का मतलब हमें स्टेटमेंट को बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, डेट द इनोकुलेशन प्रिवेंट्स अटैक फ्रॉम कोलेरा, ठीक है। हमें इस पर टेस्ट करना है कि जो टीकाकरण यहाँ पर हुआ है वो इस हैजा की अटैक को रोक सकता है, इस पर हमें टेस्टिंग करनी है। क्या यहाँ पर जो टीकाकरण हुआ है वो प्रिवेंट्स करेगा अटैक्स फ्रॉम द कोलेरा, ये हमें टेस्टिंग करनी है बाई यूजिंग द काई स्क्वायर टेस्ट। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले कि जो नल हाइपोथीसिस हमारी बनती है कि जो टीकाकरण होगा उससे हमारा जो कोलेरा बीमारी जो है हेजा उसका अटैक को हम नहीं रोक पाएंगे, ये हम मान के चलेंगे। फिर देखते हैं का स्क्वायर टेस्ट से क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसेस है इस बार एग्जाम में आने के। तो नल हाइपोथेसिस हमने सेट की, द इनोकुलेशन डज नॉट प्रिवेंट अटैक फ्रॉम कोलेरा, ठीक है। जो टीकाकरण है वो हैजा बीमारी से ज़्यादा बचाव नहीं कर पाएगा, ये हमने पहले अपनी हाइपोथेसिस सेट की। देखते हैं कि हम गलत है या नहीं। कंटीजेंसी टेबल बनाएंगे, कंटीजेंसी टेबल को बनाने के लिए जो हमारा डेटा है और वही रूल्स हम लगाएंगे जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था। इस टेबल में एक रो को और ऐड कर देता हूँ, उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो कंटीजेंसी टेबल को बनाने के लिए वही सेम फॉर्मूला हमें लगाना है यहाँ पर, रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल डिवाइड बाय ग्रांट टोटल, है ना, ये फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम जो ऑब्जर्व वैल्यू है 30 उसके लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारा रो टोटल है 190 और इसके लिए हमारा कॉलम टोटल है 170, मतलब उसी एलिमेंट की रो में टोटल जो है और उसी एलिमेंट की कॉलम में जो टोटल है वो हमें देखना है 170 डिवाइड बाय ग्रांट टोटल। ग्रांट टोटल है आपका 790। तो ये वैल्यू हमें कंटीजेंसी टेबल की फर्स्ट एलिमेंट निकालने में रखेंगे, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने में। रो टोटल जो कि 190 है, कॉलम टोटल जो कि 170 है, ग्रांट टोटल जो कि 790 है, इक्वल टू सॉल्व कर लेंगे इसको। तो सॉल्व करके इसको लगभग आपको
40.89 ये वैल्यू हमें मिलेगी। दूसरे एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग निकालते हैं। दूसरा एलिमेंट मैंने यहां पर कंसीडर किया 160, उसी रो का दूसरा एलिमेंट, इसके कोरस्पोंडिंग हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो इसकी रो का टोटल 190, इसके कॉलम का टोटल 620 डिवाइड बाई ग्रांड टोटल 790, तो ये वैल्यू वहां पर लिख देंगे। रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल डिवाइड बाई ग्रांड टोटल, सॉल्व करके आपको ये वैल्यू 149.11 मिलेगा। सेम तरीके से आप 140 के लिए निकालेंगे। 140 के लिए निकालते हैं, इसके लिए रो का टोटल 600, इसके लिए कॉलम का टोटल 170 डिवाइड बाय ग्रांड टोटल 790, तो इसके लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 600 मल्टीप्लाई 170 डिवाइड बाय ग्रांड टोटल 790 टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, तो सॉल्व करके 129.11 आपको मिलेगा। सेम तरीके से हम लास्ट जो वैल्यू है 2x2 मैट्रिक्स में उसके लिए निकालेंगे। इसके लिए रो टोटल 600, कॉलम टोटल 620 डिवाइड बाय ग्रांड टोटल 790, तो इसके लिए भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमारी फाइंड हो जाएगी और ये हमें मिलेगा 600 मल्टीप्लाई 620 डिवाइड बाई 790, सॉल्व करके हमारा सॉल्व करके कैलकुलेटर से अगर इसको वैल्यू को निकालते हैं तो 470.89 ये वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, अब हम टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल बनने वाला है वो फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो टोटल बनने वाला है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रो का टोटल करते हैं तो इस वैल्यू को साथ जोड़ने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 190 मिलेगी। इसको इसके साथ जोड़ने पर जो वैल्यू मिलेगी वो 600 होगी। फिर कॉलम वाइज जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 170 होगी, इसको इसके साथ जोड़ने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 620 होगी। ग्रांड टोटल अगर दोनों तरफ से करते हैं, चाहे आप इन दोनों को जोड़ करके करो चाहे इन दोनों को जोड़ करके करो, तो ग्रांड टोटल हमें दोनों के केस में सेम मिलेगा 790। ठीक है, अगर ऊपर जो हम टेबल देखें और इस कैलकुलेशंस को देखें तो फुलफिल होती है हमारी कंडीशंस, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का सम, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दोनों इक्वल आते हैं। ऊपर आप कंपैरिजन कर सकते हैं 190.600.790 और 170.620.790 170.620.790, तो दोनों इक्वल आते हैं। तो ये हमने कंटीजेंसी टेबल में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड किया। तो अब हमारे पास जो गिवन टेबल है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है और जो हमने निकाली है अभी ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है। इन सब को यूज़ करेंगे इन द काई स्क्वायर टेस्ट। ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है। तो टेबल बना लेते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज ये हमारी गिवन है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जिनको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, इन सभी वैल्यूज़ को कोरस्पोंडिंग रखना है ना। पहले इसको रखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऐसे ही दूसरी टेबल में भी आप ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को रखने के बाद इसमें पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ऑर्डर सेम रखना है। ठीक है, तो ये हमने ओ आई ई आई की वैल्यू रखी और फिर ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना होगा यहाँ पर, है ना। ओ आई ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस का होल स्क्वायर और इसको डिवाइड कर देना ई आई से। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर आपका वर्क करेगा, कैलकुलेटर से वर्क करेंगे तो ये वैल्यूज़ निकल जाएगी। इस वैल्यूज़ को निकालने के बाद फिर इसका सम निकालेंगे। सम यानी कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज के होल स्क्वायर को डिवाइड करके ई आई से जो वैल्यूज़ निकली है उनका सम, तो इन सबको ऐड कर देंगे। इन सबको ऐड करने पर आपको जो लगभग वैल्यू मिलेगी वो 4.89
4.863 ये वैल्यू हमें मिलेगी, यानी कि हमें काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 4.863। ठीक है, अब काई स्क्वायर टेबल का वर्क होगा। काई स्क्वायर टेबल से हम 0.05 लेवल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है R-1 S-1, मैट्रिक्स थी 2x2 की, तो R की वैल्यू 2, S की वैल्यू 2, यानी कि 2-1 2-1, सॉल्व करके आपको 1 मिलेगा। यानी कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हुए और 0.05 लेवल पर काई स्क्वायर की वैल्यू, टेबल में जाते हैं, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हुए और 0.05 लेवल पर काई स्क्वायर की वैल्यू 3.841, यस, ये वैल्यू हमारी आएगी 3.841। कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली है, कैलकुलेट की है, और ये जो हमने 0.05 लेवल पर वैल्यू फाइंड की है, वो वैल्यू हमारी ग्रेटर देन है जो हमने कैलकुलेटेड की थी ऊपर टेबल वाली वैल्यू से, ग्रेटर देन है, तो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी H0। अगर वो हाइपोथेसिस H0 रिजेक्ट होगी तो उसका मतलब हमने गलत माना था वहाँ पर, है ना, जो एक्चुअली में इनकुलेशंस है वो कोलेरा अटैक पर प्रिवेंट जरूर करेगा, प्रिवेंट्स मतलब उसको जरूर रोकेगा। सिंपल सी बात है, टीकाकरण हुआ है तो बीमारी तो कम होगी ही, तो वही यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट है, हमने उल्टा मान लिया था एक्चुअली में। लास्ट में हम कह देंगे कि हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हुई है और जो हमारा इनोकुलेशन है वो प्रिवेंट्स करेगा फ्रॉम द अटैक ऑफ कोलेरा यानी कि हेजा। ये एग्जांपल आने के पूरे पूरे चांसेस है, इस बार तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 2 सेम तरीके से, ये एग्जाम्पल हमारा 2021 के पेपर में आया है, आप पेपर उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन इम्यूनाइजेशन ऑफ कैटल, ठीक है, कैटल ये भी हमारी एक बीमारी होती है जिसको हम तपेदिक भी बोलते हैं, सॉरी, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ऑन इम्यूनाइजेशन मतलब प्रतिरक्षण होता है ना, कैटल फॉर द वर्ड यूज हुआ है हमारा पशु के लिए, फ्रॉम टबरकुलोसिस जो हमारी बीमारी होती है, इसको हम तपेदिक के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में अगर इसको डिफाइन करें तो तपेदिक भी बोला जाता है इसको, कभी कभी टीवी के लिए भी ये वर्ड यूज़ हो जाता है। तो तपेदिक की जो बीमारी है उसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया है रिजल्ट्स के लिए, है ना, कि कितनों का टीकाकरण हुआ है, इनोकुलेशन हुआ है, और कितनों का इनोकुलेशन नहीं हुआ है, और कितने इफेक्टेड बने हैं, कितने अनइफेक्टेड है। तो ये हमें गिवन डेटा है जो हमारी टेबल में है, ठीक है। एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ वैक्सीन इन कंट्रोलिंग द इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, तो ये जो हमारा यहाँ पर इनोकुलेशन हुआ है, टीकाकरण हुआ है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो हमें उसके लिए चेक करना है कि क्या वैक्सीन का कुछ इफेक्ट पड़ेगा इस बीमारी को कंट्रोल करने में, वो काई स्क्वायर टेस्ट से हम अप्लाई करके काई स्क्वायर टेस्ट को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में कंसीडर किया कि जो वैक्सीन है वो इस बीमारी पर इफेक्ट नहीं डालेगी, ठीक है, ये हमने कंसीडर किया। चलिए काई स्क्वायर टेस्ट को लगाते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारी हाइपोथेसिस हमने सेट की है, क्या ये एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। तो दूसरे स्टेप में हमें चाहिए कंटीजेंसी टेबल। कंटीजेंसी टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो गिवन टेबल है उसको लिख लेंगे, है ना, एग्जाम में पहले आप गिवन टेबल को जरूर लिख के कंटीजेंसी टेबल में। इसमें टोटल वैल्यूज़ आपको नहीं दिया, इसका मतलब हमें टोटल्स भी ऐड करने होंगे, यहाँ पर भी हमें टोटल निकालना होगा और यहाँ पर भी हमें ये टोटल वैल्यू निकालनी होगी, ये हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल, इन रोज का सम करेंगे, 12 + 28 = 40 आएगा, 13 + 7 = 20 आएगा, टोटल ओवरऑल टोटल करेंगे ग्रांड टोटल 60 आएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, 12 + 13 = 25 आएगा एंड 28 + 7 = 35 आएगा, ठीक है। तो हमने टोटल करना है पहले कंटीजेंसी टेबल बनाने के लिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए
पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज के लिए टेबल को कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपको आगे इजी रहे कंटीजेंसी टेबल को बनाने में। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे वही रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल अपॉन ग्रांड टोटल वाले फॉर्मूले से कंटीजेंसी टेबल। तो कंटीजेंसी टेबल बनाने के लिए हमने रो टोटल पहले हम निकालते हैं 12 के लिए, 12 के लिए जो रो का टोटल है वो है हमारा 40, कॉलम का जो टोटल है वो है 25, ग्रांड जो टोटल है वो है 60। तो ये वैल्यू वहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 40 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 60, सॉल्व करके 17 आएगा। तो इस एलिमेंट की कोरस्पोंडिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने निकाली। दूसरा एलिमेंट मैं लेता हूँ यहाँ पर 28, इसके रो की टोटल 40, इसके कॉलम के लिए टोटल 25, ग्रांड टोटल 60। ठीक है, तो 35 होगा, 40 मल्टीप्लाई 35 अपॉन 60, 40 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाई 60, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आपको 23 मिलेगा। सेम तरीके से हम बाकी दो वैल्यू के लिए भी निकाल सकते हैं। 13 के लिए निकालेंगे, 13 के लिए रो का जो टोटल है 20 है, कॉलम का जो टोटल है वो 25 है, डिवाइड बाई 60, 20 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 60, 20 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 60। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 8 वैल्यू मिलेगी। फिर सेम तरीके से हम 7 के लिए निकाल लेंगे, 7 के लिए रो का टोटल है 20 और कॉलम का टोटल है 35 डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो 20 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाई 60 12 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड बाई 60 जो कि 12 आएगा। तो ये सभी हमने चारों जो हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है उनके लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, रो टोटल मल्टीप्लाई कॉलम टोटल अपॉन ग्रांड टोटल का, और ये हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है हमारी जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट की है। ठीक है, इन सबको टोटल कर लेते हैं। इसका दोनों का रो टोटल निकाले तो 40 आएगा, इनका दोनों का रो टोटल 20 आएगा, ग्रांड टोटल 60 आएगा, इन दोनों का कॉलम टोटल करें 25 आएगा, इन दोनों का टोटल करें तो ये 35 आएगा। अगर आप इस टेबल में जो ऑब्जर्वेशन हमने फाइंड की है टोटल्स वाली, और ऊपर जो हमने ऑब्जर्वेशन फाइंड की थी टोटल्स वाली, दोनों इक्वल मिलेंगे। अगर इक्वल है तो आपने कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं की है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है कि ये सभी जो इक्वल्स हमने निकाले हैं, टोटल जो हमने निकाले हैं रो वाइज कॉलम वाइज, ये सब इक्वल होने चाहिए। तो हमने ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को फाइंड किया, सबको टेबल में लिख लेते हैं, सिक्वेंसली रखेंगे। तो जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ है ऊपर वाली टेबल में वो रखी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर रखा। तो ये हमारी वैल्यूज़ है, अब दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 12 माइनस 17 माइनस 5 18 माइनस 30 23 5 13 माइनस 8 5 7 माइनस 12 माइनस 5, इनका होल स्क्वायर कर लेते हैं। माइनस 5 का होल स्क्वायर 25, 5 का 25, 5 का 25, माइनस 5 का 25, इन सबको डिवाइड कर देते हैं 25 को 17 से। तो आपको ओ आई माइनस ई आई के होल स्क्वायर को ई आई से डिवाइड करके जो वैल्यू निकालनी है वो निकल जाएगी, है ना, 1.47। 25 को डिवाइड करते हैं 23 से तो ये वैल्यू आएगी, 25 को 8 से तो ये वैल्यू आएगी, 25 को 12 से तो ये वैल्यू आएगी। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर आपको ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन ई आई के सम की वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू आपकी लगभग होगी, ये वैल्यूज़ हमारी होगी 7.765।
ये वैल्यू लगभग ये आएगी हमारी, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज को फाइंड किया 7.765, काई स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। काई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद टेबल में जाना है और काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स यहाँ पर कंटीजेंसी टेबल में हमारी बनी थी, तो आर की वैल्यू 2 और एस की वैल्यू भी 2, तो 1 × 1 यानी कि 1 ही मिलेगा आपको। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और काई स्क्वायर को निकालना है 0.05 पे, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी वो वैल्यू थी हमारी 3.84। तो इनकी दोनों की कंपेरिजन आप कर सकते हैं, इनमें से कौन ग्रेटर देन वैल्यू है जो हमने ऊपर कैलकुलेट की है, और जो टेबुलर वैल्यू है उनमें ग्रेटर देन का रिलेशन बनेगा, यानी कि जो हमारी हाइपोथेसिस है अकॉर्डिंग टू रूल वो रिजेक्ट होगी। रिजेक्ट होगी तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैक्सीनेशन हुआ है, इनोकुलेशन हुआ है, ठीक है, वो डिजीज़ पर इफ़ेक्ट ज़रूर डालेगा, है ना, उसको रोकने में, डिजीज़ को रोकने में जो इफ़ेक्ट आएगा वो ज़रूर होगा इनोकुलेशन से, टीकाकरण से। काफ़ी इंपॉर्टेंट दो एग्जाम्पल कंप्लीट हुए, एक ही एग्जाम्पल जो कि 21-22 और सेमेस्टर में ही पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये भी हमारा बनता है। और अगर इसको आप एनपी वाली की बुक से सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि एनपी वाली की बुक में कुछ कैलकुलेशंस रॉन्ग की गई है, तो उसको आप इस वीडियो में अच्छे से कवर कर लें। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल रिगार्डिंग द कलर ऑफ आइज ऑफ फादर एंड सन, एक टेबल दी गई है जिसमें आइज का कलर दिया गया है फादर्स और सन के लिए। टेस्ट इफ द कलर्स ऑफ सन्स आई इज एसोसिएटेड विद डेट ऑफ द फादर। तो हमें यहाँ पर ये टेस्ट करना है कि जो सन के लिए आइज है, सन की जो आइज है उनका कलर, और फादर की जो आइज है उसका कलर, क्या वे एक दूसरे से एसोसिएटेड है, मतलब दोनों कलर्स क्या लगभग लगभग मैच होता है, या उनमें कोई इंडिपेंडेंसी है, ये हमें चेक करना है। और उसके लिए हमें टेबल दी गई है, ठीक है, कैलकुलेशन दी गई है, एक तरफ दिया है आई कलर्स ऑफ सन और दूसरी तरफ हमें गिवन है आई कलर ऑफ फादर, ठीक है। उसके लिए लाइट और नॉन लाइट्स के लिए कंडीशंस है, लाइट और नॉन लाइट के लिए हमें कंडीशन गिवन है, मतलब हमें जो ऑब्जर्वेशन डेटा है वो 2 एट्रीब्यूट्स के लिए गिवन है, और ये हमारी टेबल गिवन है हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज का जो काम करेगी, एक्सपेरिमेंटल फ्रीक्वेंसीज का। तो टेस्ट को लगाने के लिए हमने पहले नल हाइपोथेसिस सेट की, और उसमें हमने बोल दिया कि जो कलर्स है सन्स आई का और फादर्स आई का वो एसोसिएटेड नहीं है, ये हम मान के चलते हैं, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट, ये हम मान के चलते हैं इसमें। अब हमें कंटीजेंसी टेबल में डेटा को यूज़ करना है, तो सबसे पहले डेटा को थोड़ा सा लिख लेंगे। एग्जाम में तो आपको इस टेबल को भी बनाना है, ऊपर वाली टेबल को भी, है ना, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन जो रह गई है वो कर देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन पूरी क्वेश्चन में नहीं दी है। कैलकुलेशन को पूरा करने के लिए इन दोनों को ऐड किया, 471 प्लस 51, तो इससे आपको 522 वैल्यू मिलेगी। 148 में 230 को ऐड करेंगे तो 378 वैल्यू मिलेगी, टोटल हम मतलब निकाल रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये हो जाएगा रोज टोटल। फिर हम निकालेंगे कॉलम्स टोटल, 471 में 148 को ऐड करेंगे तो 619 आएगा, 51 में 230 को ऐड करेंगे तो 281 आएगा। तो ये हमारे पास कंटीजेंसी टेबल की फर्स्ट टेबल हो जाएगी, जिसमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग हमारे पास कैलकुलेशंस है, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगी, आप रोज़ का टोटल का सम कर दें या कॉलम्स का टोटल का सम करें, तो आपको दोनों केस में जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी होगी 900, दोनों केस में आपको 900 वैल्यू मिलेगी जोड़ने, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जर्व टेबल हो गई, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग। अब हम निकालते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, तो अगर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं हम फर्स्ट वैल्यू को कंसिडर करते हुए 471 को, तो 471 के लिए जो हमारी रो का टोटल है वो है 522, कॉलम का जो उसके लिए टोटल होगा 619,
डिवाइड बाय ग्रांड टोटल होगा 900, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी, ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बनेगी 471 के लिए। तो 471 के लिए हमारा बना 619 मल्टीप्लाई बाई 522 डिवाइड बाय 900। कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर आपको ये 359.02 वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हुई फर्स्ट एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स की। अब मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट लेंगे, उसके लिए रो टोटल 522 मल्टीप्लाई कॉलम टोटल 281 डिवाइड बाय ग्रांड टोटल 900, ठीक है। तो इस वैल्यू को लिख लेते हैं, ये हमें मिलता है 522 मल्टीप्लाई 281 डिवाइड बाय 900। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर आपको ये 162.98 वैल्यू मिलेगी। अब मैट्रिक्स में तीसरी वैल्यू के लिए हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे। थर्ड वैल्यू होगी हमारी 148, इसके लिए रो टोटल 378 कॉलम टोटल 719 डिवाइड बाय ग्रांड टोटल 900, ठीक है। तो 378 मल्टीप्लाई 619 डिवाइड बाय 900 एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 259.98। फाइनली जो लास्ट वैल्यू हमारी बची है टेबल की मैट्रिक्स की, उसके लिए भी हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल देंगे। इस वैल्यू के लिए ग्रांड रो टोटल 378 कॉलम टोटल 281 डिवाइड बाय ग्रांड टोटल 900। 378 मल्टीप्लाई 281 डिवाइड बाय 900 एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 118.02, ठीक है। तो ये हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो मैं येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये हमने कोरस्पोंडिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड की अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। अब इनका हम टोटल कर लेते हैं। टोटल करना ज़रूरी है, उससे आपको पता लगेगा कि अगर इनका सम थोड़ा सा भी अंतर आ गया तो आपने कुछ मिस्टेक की होगी। तो यहाँ पर अगर रो वाइज टोटल करें तो 359.02 प्लस 162.98 को ऐड करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 522 मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही 259.98 को 118.02 से ऐड करने पर आपको 378 मिलेगा, ये रो टोटल्स हो जाएंगे। ऐसे ही कॉलम्स को टोटल करेंगे तो ये आपको सॉल्व करने पर मिलेगा 619, ये आपको ऐड करने पर मिलेगा कॉलम वाइज 162.98 प्लस 118.02, इसको ऐड करने पर आपको मिलेगा 281। तो रोज टोटल और कॉलम्स टोटल हमने फाइंड किए। फिर ग्रांड टोटल फाइंड कर सकते हैं, इसको हम इसके साथ जोड़े या इसको हम इसके साथ जोड़े, दोनों से आपको सेम वैल्यू मिलेगी 900। ऊपर वाली टेबल से अगर कंपेरिजन करें तो ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ सेम है, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ हमारी सेम है। इसका मतलब हमने एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर ली है। तो अब कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसीज को सिक्वेंसली, है ना, पहले इसे फिर इसे फिर इसे फिर इसे, ऐसे ही यहाँ पर एक्सपेक्टेड में पहले इसे फिर इसे फिर इसे फिर इसे टेबल में रख लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। फिर इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे एज यूजुअल, डिफरेंस का होल स्क्वायर हम फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर से। फिर डिफरेंस के होल स्क्वायर को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ई आई से। तो ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी आपको, ठीक है। वही कैलकुलेशन कैलकुलेटर से आपको करनी है और कैलकुलेशन करने पर इन सबको ऐड करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेगी। और ये वैल्यू हमारी होगी समेशन ओ आई माइनस ई आई अपॉन ई आई का होल स्क्वायर की, जो कि चाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो 266.32 हमें चाई स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। देखा जाए तो अगर रूल समझ में आ जाए ना तो गेम है। गेम मतलब कुछ भी नहीं करना, अगर बच्चे को भी सिखा दोगे तो वो भी कर देगा, है ना। तो ये हमारा काई स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी। अब टेबुलर फॉर्म में जाएंगे तो 0.05 लेवल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है तो 2-1 रोज नंबर ऑफ रोज, 2-1
टू यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो सॉल्व करके आपको 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी। और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप टेबल में जा कर के कैलकुलेट करेंगे। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.05 लेवल पर, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.05 लेवल पर, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 0.05 लेवल पर, ये हमारी वैल्यू वही होगी जो लिखी हुई है पहले से, 3.841। तो 3.841 तो ये काई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3.841। अब दोनों की कंपैरिजन अगर करें, जो हमने वैल्यू निकाली है ऊपर और ये 0.05 लेवल पर जो वैल्यू निकली है, आप देख सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर देन है, इसका मतलब H0 हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होगी। हमने कहा था कि वे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब फादर्स आईज और सन, उसके सन की आईज दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और जो कलर ऑफ सन्स आई है इज एसोसिएटेड विद द कलर्स ऑफ फादर आई। तो तीन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जो कि प्रीवियस एग्जाम्स के हिसाब से और करंट एग्जाम्स के हिसाब से जो इस साल आने वाला है, ये तीनों एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। बाकी आपको मेथड बहुत अच्छे से आ गया होगा, 4-5 क्वेश्चन आप इस तरीके के सॉल्व करें तो काई स्क्वायर टेस्ट आपको बहुत ही ईजी लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये मॉड्यूल कम्प्लीट होने में अभी 2-3 लेक्चर बाकी है, लेकिन अगर आप यहाँ तक के लेक्चर कवर कर लेते हैं तो आगे जो टॉपिक्स हैं उनको आप लीव भी कर सकते हैं। यहाँ तक के लेक्चर कंप्लीट करने पर आपका पूरा पेपर